Theory of Rural and Urban Society Ibn Khaldun had a very interesting debate, hai that is, regarding the uh, rural and urban society because he believed that human society differs from animal society because humans are endowed with wisdom and human beings need a leader to look after their well-being and guide them through difficult situations ये जो इब्ने इबन की फ़िलासफ़ी है कि देयर मस्ट बी अ लीडर क्योंकि लीडर की ज़रूरत से कोई भी सोसाइटी कोई भी मुआरा डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वही एजेंडा देता है वही फ्रेमवर्क करता है जिससे सोसाइटी जो है वो प्रोसीड करती है सो ह्यूमन बींग्स ऑलवेज सर्च द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्योंकि इंसानों को ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कि वो जरा मुश को भी तलाश करते हैं और इकट्ठे रहने के मुख्तलिबाब को भी So they live together, coordinate, and cooperate, which, ha, which lead towards the creation of state. However, mentioned traits like in animals, Ibn Khaldun has described two types of societies in his book Badwi society and the Hazri society. According to his theory, Badwi is a rural society whereas Hazri is the urban society because individuals

जो बदवी सोसाइटी है उसके अंदर लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो लिमिटेड इन नंबर हैं उनके रिसोर्स कम होंगे उसके लिए अपने रिसोर्स को जनरेट करना उनके लिए जो है वो खासा मुश्किल होगा बट हैव टू स्ट्रगल हार्ड फॉर देयर फॉर देयर सर्वाइवल देयरफॉर फॉर दे आर फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग लेकिन जो बदवी सोसाइटी की बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इपने खल्दून ने बयान की है उनका ये ख्याल है कि चूँकि रिसोर्सिस कम हैं स्ट्रगल ज़्यादा है तो ऐसे लोग फ़िज़िकली जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और उनके अंदर आम तौर पर जो खसूसियात होंगी वो इस सेंस में बहुत ज़्यादा होंगी कि इबन फलदूँ के यहाँ जब भी कोई इंडिविजुअल अपने लिए एफ़र्ट करता है तो वहाँ पर उस इंडिविजुअल की एफ़र्ट के बिहाइंड फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी आती है और एक स्पिरिट भी आती है बट इन कंपैरिजन विद द बदवी सोसाइटी हिज परिव इज डेट द हजरी सोसाइटी दे आर सिमिलर टू दोज पीपल हु लिव इन अरबन सोसाइटीज़ इवन वी कैन से इवन नाव आट एज बी आर आर ऑल्सो सींग दिस डिफ्रेंस टू बिकॉज दे हैव मेजर पोर्शन ऑफ रिसोर्सिस तो उनकी जो फिजीक है जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कम होगी क्योंकि जब रिसोर्स ज़्यादा हैं कम एफर्ट के बाद फिज़िकल एफ़र्ट कम होगी उससे उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे ज़राए जो हैं वो दस्याब होंगे तो उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कम होगी लेकिन इन कंपैरिज़न विद बदवी सोसाइटी हजरी सोसाइटी एंजॉयज मोर रिसोर्स लेकिन अब हजरी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या होगी दैट दे कैन नॉट डिफेंड दैम सेल्फ अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन

वो बदरी सोसाइटी या रूरल सोसाइटी के मुकाबले में जो अर्बन सोसाइटी है वहाँ पर फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया है लेकिन उनका ख्याल है रूरल सोसाइटी वाले ज़्यादा मज़बूत होंगे फ़िज़िकली लेकिन अर्बन सोसाइटी वाले फ़िज़िकली वीक होंगे दूसरे नंबर पर वहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स होते हैं वो ज़्यादा एफर्ट करते हैं जो अर्बन सोसाइटीज़ है वहाँ रिसोर्स तो ज़्यादा होते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ जो स्टेट पर डिपेंडेंस है उनकी वो ज़्यादा होती है क्योंकि रूरल के मुकाबले में अर्बन का जो इंटरेक्शन है स्टेट के साथ वो ज़्यादा होता है और स्टेट और अर्बन पॉपोलेशन का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा डीपर है अकॉर्डिंग टू इपने खलदून और हम ये कह सकते हैं कि आज भी रूरल अर्बन पॉपुलेशन के अंदर इसी तरीके के डिफरेंसेस जो हैं वो इवन हमें नज़र आते हैं